गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्रीम का रिव्यू, जो कि है हाइड्रोफिल इमोलिएंट क्रीम। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसी है ये क्रीम या इसके बारे में सभी बातें, इसके यूजेस, बेनिफिट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पॉइंट नंबर टू, आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। पॉइंट नंबर थ्री, कभी भी किसी भी न्यू प्रोडक्ट को बिना पैच टेस्ट किए अपने फुल फेस या फुल बॉडी पे अप्लाई ना करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पैच टेस्ट जरूर करें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक टब पैक में आता है। प्रोडक्ट्स रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको पैकेजिंग पे मिल जाती है, चाहे वो प्राइस हो, एक्सपायरी डेट हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट हो, यूज़ करने का तरीका हो या फिर इसके बेनिफिट हो। बात करते हैं प्राइस की, तो इसका प्राइस है 180 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इस क्रीम को इजीली यूज कर सकती हैं। बात करें इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, बट इसके कुछ इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है एक्वा, ग्लिसरीन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, पेट्रोलियम जेली, विटामिन ई, कैस्टर ऑयल। और हाँ, एक बात मैं और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इसमें परफ्यूम है। ये पॉइंट पैकेजिंग पे मेंशन भी किया गया है और जैसे ही आप इसका कैप ओपन करते हैं आपको पता भी चल जाएगा। इन केस अगर आप में से किसी को ये पॉइंट जानना हो कि क्या इसमें परफ्यूम है या नहीं, तो हाँ इसमें परफ्यूम है। अब बारी आती है मेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट की, जिसके बारे में हर किसी को जानना होता है कि क्या इसमें पैराबेंस हैं या नहीं। तो हाँ, ये प्रोडक्ट 100% पैराबेन फ्री है, इसमें कोई भी पैराबेन ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आपको पैराबेन वाले प्रोडक्ट नहीं पसंद हैं तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें पैराबेन्स नहीं है। तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब बारी आती है यूज़ करने के तरीके की। तो जैसा कि मैंने पहले ही शेयर किया कि ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत हो तब आप उसे यूज़ कर सकती हैं। डे में कभी भी यूज़ कर सकती हैं या फिर दिन में दो बार यूज़ कर सकती हैं, मॉर्निंग नाइट में। तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हैं। यूज़ करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ये बात मुझे हमेशा ही रिसीव होती है ये क्वेश्चन कि फेस वॉश के बाद क्रीम को यूज़ करें या फेस वॉश के पहले। ये आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार रिसीव हुआ है। हमेशा पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद ही क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करें। जब आपकी स्किन क्लीन होगी तभी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है स्किन को क्लीन करना। अपना फेस वॉश यूज़ करिए और स्किन को क्लीन कर लीजिए। अब बारी आती है इस क्रीम के टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ये टब पैक है तो मैं इसका ये सिल्वर फॉइल कभी भी नहीं हटाती हूँ, इस वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। ये है इस क्रीम का टेक्सचर, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है, मीडियम है। फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अनोइंग नहीं है। मैं फिर से कह दूँ अनोइंग नहीं है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है कि मुझे इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अब बारी आती है स्किन टाइप की।
देखिए प्रोडक्ट कुछ भी क्लेम करे, लेकिन जब तक हम स्किन टाइप की बात नहीं करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप किस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है या कौन सी स्किन टाइप किस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकती है, तब तक ये बात क्लियर नहीं होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी स्किन टाइप की। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी स्किन जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिलहाल अभी विंटर है तो मेरी स्किन जो है वो ड्राई है और कभी कभी तो एक्स्ट्रा ड्राई भी हो जाती है, लेकिन नॉर्मल टाइम पे या समर टाइम पे मेरी स्किन ऑयली या एक्सट्रीमली ऑयली भी हो जाती है। तो मैंने इसे दोनों वेदर में यूज किया है तो मुझे पता है कि हाँ, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसे समर में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, तो आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकती हैं, क्योंकि मैंने इसे समर में भी यूज किया है और अभी भी मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये क्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अब बारी आती है कि अगर आप इसे विंटर टाइम में यूज कर रही हैं तो इसका जो मॉइस्चराइजेशन का लेवल है या जो स्टेइंग पावर है, अगर हम उसे आवर्स में कन्वर्ट करें या काउंट करें, तो कितने आवर्स तक ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज या हाइड्रेट करके रखेगा। तो अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो ये 5 से 6 घंटे तक आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करके रखती है। 5 से 6 घंटे तक तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील करेगी, ना ड्राई ना इची, ऐसी कोई भी फीलिंग आपको नहीं होती है। और अगर मैं 5 से 6 घंटे की बात करूँ तो ये जो टाइम होता है ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है, मतलब इतना कम भी नहीं है ना तो इतना ज़्यादा है। फिलहाल मेरे लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बारी आती है कि क्या इस क्रीम को अगर हम नाइट में यूज़ करें तो हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। नाइट में क्या होता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो कि काफ़ी लाइट वेट हो, जिससे कि हमारी स्किन मॉइस्चराइज भी रहे, हाइड्रेट भी रहे और हमारी स्किन को ब्रीथ लेने का या सांस लेने का टाइम भी मिले। तो उसके लिए ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लाइट वेट है, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करेगी और आपके लिए बेनिफिशियल ही है। फाइनल वर्ड की, तो अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूं तो मैंने पहले भी फर्स्ट इम्प्रेशन में भी शेयर किया था, मैं आज भी वही वर्ड रिपीट करूंगी कि मुझे ये क्रीम फर्स्ट इम्प्रेशन में भी अच्छी लगी थी और आज भी मुझे ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप बाई करने के बारे में सोच रही हैं तो आप इसे ईजिली बाई कर सकती हैं। वैसे इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 180 है, बट जब आप इसे ऑनलाइन बाई करेंगी तो इसे कम प्राइस में आपको ईजिली मिल जाएगा। पैराबेन फ्री है, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, काफी अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिल जाती है और वर्क तो फिलहाल अच्छा है ही। तो अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई जरूर करिएगा। और बाय करने की अगर मैं बात करूं तो आप इसे ई मेगा मार्ट से बाय कर सकती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकती हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरी फेवरेट क्रीम, जो कि फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। रीज़न मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया हुआ है इस क्रीम का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ आपकी फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम कौन सी है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।